जय हिंद दोस्तों, आज 10 फरवरी सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे समान एमएसपी 15,500 पर कोर्ट को 30 मिनट का भी समय नहीं सुनवाई करने का। सर्वे रिपोर्ट आई है, सैनिकों के बीच मोदी की पॉपुलैरिटी हुई कम और राहुल गांधी की बढ़ी। केएसबी ने जारी किया लेटर, 2024 में सीए कब तक भर सकते हैं इस पर बड़ी अपडेट आई है। केएसबी जिला सैनिक बोर्ड केएसबी आरएसबी कर्मचारियों की जबरदस्त कमी, एक्स सर्विसमैन और उनके डिपेंडेंट के सभी काम हुए ठप। सैनिक हुआ हनी ट्रैप का शिकार, 13 लाख लूटने वाली गिरफ्तार। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जारी, जल्द उठाए इसका फायदा। जेसीओ ओआर के लिए गार्ड की वैकेंसी निकली हुई है, काफी अच्छी सैलरी है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम पहली खबर पर बात करते हैं, इक्वल एमएसपी कल 9 तारीख को 9 फरवरी को सुनवाई होनी थी और सुनवाई के लिए अपना नंबर आया भी। जज साहब के सामने जब नंबर आया, बता दें वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का जो केस नंबर था 11वें नंबर पर था, उस बेंच के समक्ष लिस्टिंग था जो बेंच आज सुनवाई कर रही थी। आज जब सुनवाई हुई तो हमारे एडवोकेट ने कहा कि हमारी बहस पूरी हो गई है, केस का आर्डर में ले जाएं। सरकारी वकील जिसके पास सेना के एक मेजर भी आए थे, कोर्ट से कहा कि उन्हें 30 से 40 मिनट चाहिए अपनी बात रखने के लिए। हमारे एडवोकेट ने कहा कि उन्हें आज ही 30 मिनट देकर बहस पूरी कर ली जाए। कोर्ट ने कहा कि आज समय नहीं है, फिर जल्दी समय मांगा गया और बता दे अगली तारीख 5 मार्च 2024 दे दी गई। यानी कि कोर्ट को टाइम नहीं था कि 30 मिनट की बहस हो जाए और जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से 30 मिनट मांगे गए थे और 30 मिनट में सुनवाई हो जाती, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इतना टाइम नहीं है हमें, अगली सुनवाई में हम इसकी आपकी पूरी सुनवाई करेंगे। दूसरी बड़ी अपडेट है, एक सर्वे हुआ था जिसमें कि इसमें यह पूछा गया था कि आज का सर्वे 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पर सैनिकों की पहली पसंद कौन है। तो मोदी जी के पक्ष में 38% लोगों ने वोट किया था और राहुल जी के पक्ष में 37%, कोई दूसरा तीसरा के लिए 25%। लेकिन अगर राहुल जी और मोदी जी के बीच में सर्वे किया गया था उसमें कितना आया बता दें, मोदी जी की पॉपुलरिटी 40% लोगों में है, वही राहुल जी की 60%। यानी कि जहां पर मोदी जी की 75 से 80% हुआ करती थी सैनिकों के बीच में, अब वो घटकर 40% हुई और बहुत ही तेजी से ये ग्राफ घटा है। और बता दे राहुल गांधी की जो पॉपुलरिटी बहुत ही कम, लगभग 20% हुआ करती थी, वो 60% पहुंच गई है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ओआरओपी की विसंगति, एक्स ग्रुप को डिसेबिलिटी पेंशन को और कई मांगे ऐसी हैं जिस जैसे कि इक्वल एमएसपी की सुनवाई, बार बार तारीख पर तारीख मिलना भी एक पॉपुलरिटी कम होने का भी संकेत है। एक और बड़ी खबर है, बता दें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये लेटर जारी हुआ है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने 7 फरवरी 2024 को ये लेटर जारी किया गया है। डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट सैनिक वेलफेयर सभी को ये लेटर भेज दिया गया है, सारे राज्य सैनिक बोर्ड को। और बता दें कट ऑफ डेट फॉर जितने भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन किसी भी वेलफेयर के लिए लेते हैं उसके लिए ये लेटर जारी हुआ है, उसकी कट ऑफ डेट जारी हो गई है। और बता दें जितने भी आपको ग्रांट रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं उसके लिए ये कट ऑफ डेट जारी हुई है। जैसे पेनरी ग्रांट दिया है 2024-25 के लिए 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। दूसरा भी ग्रांट, सारे ग्रांट की इसमें लिस्ट जारी हुई है, आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। इसमें मेन है मैरिज ग्रांट के लिए, बता दें 180 दिन से पहले आपको मैरिज ग्रांट के लिए अप्लाई करना है। एजुकेशन ग्रांट जो कि सीए जिसमें रिटायरमेंट के बाद क्लास 1 से ग्रेजुएशन तक का जो एजुकेशन ग्रांट है 1 अप्रैल 2024 से 30 नवंबर 2024 तक आपको भर के देना होगा, आपको ऑनलाइन भरना होगा। तो इसका जो 1 अप्रैल से 30 नवंबर 2024 में इसकी लास्ट डेट दी गई है और सारे ग्रांट आप देख सकते हैं, सारे ग्रांट की पूरी लिस्ट आ चुकी है। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से, पूर्व सैनिक परिवारों को 23 जिलों में केवल एक व्यक्ति संचालित कर रहा है जिला सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक बोर्ड।
इनमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों की कमी है। और बता दें पंजाब में ऐसा मामला हुआ है, 23 जिलों के मुख्यालय में केवल एक प्रबंधक काम कर रहा है, जिसकी वजह से एक्स सर्विसमैन और उनके डिपेंडेंट के काम रुके हुए हैं। बता दें पंजाब में सबसे ज्यादा पूर्व सैनिक हैं और वहां पर विडो सबसे ज्यादा हैं, लेकिन उनके काम नहीं हो पा रहे हैं और ये जानकारी आई है। और बता दें 4.34 लाख एक्स सर्विसमैन पूरे स्टेट में है। दूसरी बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है, हनी ट्रैप गैंग ने पूर्व सैनिक को ब्लैकमेल किया और बोला रेप का झूठा मामला दर्ज कराकर 13 लाख रुपए हड़पे गए हैं और इसमें कांस्टेबल भी गिरफ्तार किया गया है। कांस्टेबल ये ग्रोह चला रहा था। बता दे इसमें जो बड़ी खबर आई है राजस्थान अलवर से है। अलवर में पुलिस कर्मियों को हनी ट्रैप के मामले में फंसाने वाले गिरोह का के शिकार लोगों को सामने आने के बाद अब पूर्व सैनिक ने गिरोह का के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। महिला के खिलाफ, महिला ने पूर्व सैनिक को भी ब्लैकमेल करके 13 लाख रुपए हड़पे हैं। कैसे हड़पे हैं बता दें, गिरोह का खुलासा भरतपुर में कुम्हारे थाना के CI और जोबेरेज थाने में कांस्टेबल से करीब 1 करोड़ रुपए ठगने के बाद मामला सामने आया है। कांस्टेबल से 1 करोड़ रुपए ठगे गए हैं। सबसे पहले तो कांस्टेबल को 1 करोड़ रुपए उसके पास कैसे आए, ये बड़ी बात है, और उसके बाद उस पर ये ठग लिए गए हैं। चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि कांस्टेबल विनोद चौधरी के अलवर स्थित घर में ही पूरा गिरोह काम कर रहा था। मकान पुलिस कर्मी का है, बाहर नेम प्लेट दूसरे लोगों की लगी थी, विभाग ने उसे सस्पेंड कर दिया है। और बता दे जो अरावली बिहार थाने में मामला दर्ज कराया गया है, पीड़ित पूर्व सैनिक ने के अनुसार महिला ने उसके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराने के बाद उससे 13 लाख रुपए वसूले हैं। यानी कि रेप का मुकदमा दर्ज कराकर और उसके बाद 13 लाख रुपए ऐड लिए गए पूर्व सैनिक से। पूर्व सैनिक बोला गलत हरकत देख कमरा खाली कराने को कहा। पूर्व सैनिक ने बताया कि वह 4 साल पहले देव इंटरनेशनल कॉलेज में गया था, वहां गिरोह की सरगना महिला और उसकी बहन सुनीता मिली, उसके बाद उन्हें कमरा किराए पर दिया, लेकिन उनकी हरकतें देखकर कमरा खाली करने को बोला। हालांकि दोनों बहनें मेरे कागज लेकर चली गई, बाद में मेरी पत्नी को गलत बातें उनसे करती रही। और बता दें ये फौजी पहले उनके कमरे में रहती थी और उसके बाद भी वहां पर इनको सांठगांठ हुई और बता दें वहीं पर फौजी से 13 लाख रुपए ऐंठे गए। तो ये फौजी ने जब रिपोर्ट दर्ज कराई तब ये मामला सामने आया है। बात कर लेते हैं सेवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 जारी हो चुकी है। बता दें इसके लिए सब्सक्रिप्शन की जो डेट है 12 से 16 फरवरी 2024 की है। और बता दें इसके लिए जो सेटलमेंट डेट रहेगी 21 फरवरी 2024 रहेगी। इसमें एक सबसे बड़ा फायदा है कि 50 रुपए आपको जो इसमें है छूट दी जाएगी, डिस्काउंट दिया जाएगा 1 ग्राम सोना खरीदने पर। और ये सोना आप डिजिटल तौर पर खरीद सकते हैं, जब चाहें इस सोने से आप सोना बनवा सकते हैं, जब चाहें इसे बेच सकते हैं। तो डिजिटल बॉन्ड ये होता है, डिजिटल तरीके से सोना रखा जा सकता है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट बता दें कि राजस्थान की जॉब निकली हुई है सिक्योरिटी गार्ड की, 38,000 सैलरी है। और बता दें ये अलवर की वैकेंसी है, इसका मैं आपको, अगर कोई जिसको चाहिए तो आप कमेंट करें तो मैं आपको उसका मोबाइल नंबर दे दूंगा, जो भी चाहें संपर्क कर सकते हैं। ये थी जानकारी, थैंक यू, जय हिंद।